देखिए अब क्या होता है ये तो पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता और केवल क्यास लगाए जा रहे हैं, परंतु अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है, उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं, उन कामों में गति आएगी, देश और ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो और जल्दी साकार होगा। हरियाणा में पूरी सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, कई बार फैसले कर ली गई हैं और बहुत अच्छा आतिथ्य उनको दिया जाएगा। विपक्ष का तो मुझको लगता है बुद्धि का दिवाला पिट गया। कोरोना में जहां एक तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन में सेशन कैसे बुला लिया जाता, कैसे बुला लेंगे, और कौन सा स्पेशल सेशन पहली बार बुलाया जा रहा है ये बताए ना, क्या ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाता। कोई विषय होते हैं और ये प्रजातंत्र की जो बहुत अच्छी परंपरा है कि उनको ऑर्डिनेंसों के माध्यम से जारी ना करके और सेशन बुलाया जाता है, और ये प्रजातंत्र में सारे मुद्दे चर्चा के बाद ही पास होते हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद भी एक संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है, उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। महाभारत के युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने सब राजाओं को मौका दिया था कि वह अपना अपना पक्ष चुन लें। जो कौरवों के साथ जाना चाहते हैं वो कौरवों के साथ चले जाएं, और जो पांडवों के साथ जाना चाहते हैं वो पांडवों के साथ जाए। उसी प्रकार अब जो राजनीतिक अगला महाभारत होने जा रहा है, उससे पहले पहले i.in.d.i.a के सभी नेताओं को भी अपना पक्ष चुनना है। उनको बताना है कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ हैं या सच्चाई के साथ हैं, वास्तविकता के साथ हैं।